दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियोस सबसे पहले। शाहरुख खान ने 2 नवंबर को अपना 52वां बर्थडे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ अलीबाग में सेलिब्रेट किया। शाहरुख के बर्थडे के मौके पर बात की गई शाहरुख के जबरा फैन से। ये हैं इंदौर के सतीश चौहान। सतीश चौहान पिछले 22 सालों से शाहरुख का फैन है और खुद शाहरुख भी उन्हें अपना सबसे बड़ा फैन मानते हैं। शाहरुख जब भी इंदौर आते हैं सतीश से जरूर मिलते हैं। इनके पास कोई ऐसी चीज है जिसे दिखाते ही उन्हें शाहरुख के बंगले में सीधे एंट्री मिल जाती है। सतीश ने बताया कि शाहरुख ने साइन कर उन्हें एक 500 का नोट दिया है जिसे दिखाकर वे उनके बंगले मन्नत में कभी भी जा सकते हैं। खुद शाहरुख खान ने अपने बंगले के सिक्योरिटी वालों को इसके लिए कह रखा है। उन्होंने बताया कि जब भी शाहरुख इंदौर आते हैं वे मिलने के लिए बुलाते हैं। जब वे हैप्पी न्यू ईयर के प्रमोशन के लिए इंदौर आए थे तो मेरे परिवार से मिले थे, उन्होंने पूरी टीम से मिलवाया था। तब दीपिका ने मेरी बेटी को गोद में उठा लिया था। 1 जनवरी 2010 को सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले शो लिफ्ट करा देख के लिए देश भर से शाहरुख खान के चाहने वालों ने ऑडिशन दिए थे जिसमें इंदौर के सतीश भी शामिल थे। ऑडिशन के बाद सतीश के अलावा दिल्ली की निशा और मुंबई के नितिन को टॉप 3 के लिए चुना गया। तीनों को दिल्ली की एक होटल में ठहराया गया और उन्हें कुछ काम सौंपे गए। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर ही शाहरुख का सबसे बड़ा फैन चुना जाना था। चैनल ने अपने ही नियमों को तोड़ते हुए निशा को विजेता घोषित कर दिया। दूसरे नंबर पर रहने के बावजूद शाहरुख ने माना कि सतीश के पास जो कलेक्शन है वह अद्भुत है और सतीश वाकई उनके सबसे बड़े फैन हैं। शाहरुख ने सतीश को अपने बंगले मन्नत पर बुलाकर अपने ऑटोग्राफ वाली गोल्डन वॉच स्टिल रीडिंग खान किताब के साथ ही सतीश के पास मौजूद सैकड़ों चीजों पर ऑटोग्राफ दिए थे। सतीश के पास शाहरुख खान के 3000 से भी ज्यादा फोटो का कलेक्शन है। शाहरुख की पहली फिल्म से लेकर अब तक रिलीज हुई सभी फिल्मों के नाम, उनके डायरेक्टर के नाम, फिल्म में काम करने वाले प्रमुख कलाकारों के नामों के साथ फिल्मों की कैसेट DVD तक संभाल कर रखी है। इसके लिए वे 22 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं।